हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल घरेलू नुस्खे पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में मूंग दाल के फ़ायदों के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, हर दाल के अपने पौष्टिक गुण होते हैं। वैसे दाल में प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, यही वजह है कि बढ़ रहे बच्चों को दाल का अधिक से अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है। हालाँकि तमाम दालों के बीच मूँग की दाल को स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है। आमतौर पर इसे रोगियों के भोजन के तौर पर देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी पच जाती है, लेकिन इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यह स्वाद में फीकी होती है। मूंग की दाल को तरीके से बनाया जाए तो यह भी किसी भी अन्य दाल की ही तरह स्वादिष्ट लगती है। मूंग की दाल से कई चीज़ें बनती हैं। कुछ लोग इससे पापड़ बनाते हैं तो कुछ लोग इसका लड्डू खाना पसंद करते हैं, पर मूंग दाल का हलवा भारतीय व्यंजनों का एक प्रमुख हिस्सा है। मूंग दाल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सुपाच्य होती है और ठंडक प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं आज मूंग दाल के फायदों के बारे में। गर्भवती महिलाओं के लिए लाभकारी होती है मूंग की दाल। गर्भवती स्त्रियों को मूंग की दाल का सेवन जरूर करना चाहिए क्योंकि यह न सिर्फ उनके लिए फायदेमंद है बल्कि होने वाले बच्चे के लिए भी लाभकारी होती है। इसलिए गर्भवती महिला हफ्ते में कम से कम 3 दिन मूंग की दाल को जरूर खाएं। कमजोरी दूर करें। मूंग की दाल शरीर में ताकत पैदा करती है, इसलिए बीमार लोगों को मूंग की दाल खाने की सलाह डॉक्टर देते हैं। मूंग की दाल का सेवन करने से मरीज को बहुत जल्दी फायदा होता है। अगर कोई व्यक्ति आयरन की कमी से जूझ रहा है, उसे अपने भोजन में मूंग की दाल को शामिल करने की जरूरत है। यह शरीर की कमजोरी को दूर करती है। पेट के लिए लाभकारी। मूंग की दाल पचने में बहुत ही आसान होती है। कब्ज की समस्या से परेशान लोगों को मूंग की दाल में बनी खिचड़ी को जरूर खाना चाहिए, इससे पेट सही रहता है। पीली मूंग दाल में फाइबर, प्रोटीन, आयरन बहुत ही बढ़िया मात्रा में होते हैं। यह दाल दूसरी दालों के मुकाबले ज़्यादा हल्की होती है, इसलिए इसे आप बड़ी ही आसानी के साथ हजम कर लेते हैं। ज़्यादा पसीने आने पर मूंग की दाल का पाउडर पानी में मिलाकर मालिश करें, इससे ज़्यादा पसीना आने की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसके लिए मूंग की दाल को हल्का गर्म कर पीस लें, फिर इस पाउडर में पानी मिलाकर लेप बना लें और पूरे शरीर पर इस लेप को लगाएं। इस लेप को लगाने पर शरीर से ज़्यादा पसीना आना कम हो जाता है। वजन कम करें। 1 कप पकाई गई मूंग की दाल में 100 से भी कम कैलोरी होती है। इस दाल में पोटेशियम, कैल्शियम एवं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फैट ना के बराबर पाया जाता है। इसके सेवन से पेट भरा भरा सा महसूस होता है और आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। रात को रोटी के साथ मूंग की दाल को खाना चाहिए, इससे आपको ढेर सारे पोषक तत्व प्राप्त होंगे और वजन कम करने में मदद मिलेगी। कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा। मूंग की दाल में फाइबर होता है जो शरीर में फालतू कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जो लोग कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, उन्हें मूंग की दाल जरूर खानी चाहिए। स्किन के लिए अच्छा। मूंग की दाल को खाने से आप स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से भी बच सकते हैं। जब आप धूप में जाते हो तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें और पोल्यूशन की वजह से फ्री रेडिकल सेल्स आपकी स्किन में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे आपकी स्किन डैमेज होने लगती है। मूंग दाल में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल सेल से लड़ते हैं और आपकी स्किन कैंसर होने से बचाने में मदद करते हैं। दाद, खाज, खुजली दूर करें। छिलके वाली मूंग की दाल को पीस लें, फिर इसका लेप बनाकर दाद, खाज, खुजली वाली जगह पर लगाएं, इससे आपको काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, यह था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।